हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सस्ती मंत्राज। कंप्यूटर का आज पार्ट 5 है, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप कंप्यूटर के साथ अदर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ते रहिए जेसीए की प्रिपरेशन के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंग्लिश को आप दे सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज है इस एग्ज़ाम में। जेसीए के एग्ज़ाम में इंग्लिश 50 मार्क्स का पूछा जा रहा है और सब 25 मार्क्स के हैं, तो आप इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट्स में अपना बेस्ट देना होगा, लेकिन इंग्लिश को और अच्छा दीजिए हो सके तो। और कंप्यूटर भी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो इसलिए आप इस पर भी ध्यान दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर लोकेटेड फिजिकली क्लोज टूगेदर ऑफन इन द सेम बिल्डिंग। मतलब ऐसा नेटवर्क जिसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं वो नज़दीक स्थित होते हैं या फिर एक बिल्डिंग में होते हैं, तो उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं। तो इसका हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, लैन। इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा लैन। इसका फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें अदर्स जो दिए हैं, वैन, फैन, मैन, इसके बारे में भी जान लेते हैं। वैन जो होता है, WAN, इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जो होता है पूरे कंट्री लेवल या वर्ल्ड लेवल पर जो नेटवर्क होता है उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। उसके बाद दिया है PAN, पैन। इसका फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। में कोई कुछ पर्सनल इंडिविजुअल लोग होते हैं जो आपस में नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं, या कोई एक आदमी दूसरे से जुड़ा हुआ या एक से ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। उनका अपना पर्सनल नेटवर्क होता है, तो PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। मैन, नेक्स्ट है मैन। मैन जो होता है लैन से बड़ा होता है। मैन में इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो है लैन से बड़ा होता है। मतलब एक सिटी का नेटवर्क हो सकता है, या फिर एक कॉलेज कैंपस का, पूरा कॉलेज हुआ है उसका नेटवर्क हो सकता है, तो इसका मतलब ये लैन से थोड़ा बड़ा होता है। तो ये चारों एरिया नेटवर्क हो गए। इसका आंसर जो इसमें क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द OSI मॉडल द एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इज हैंडल्ड इन द लेयर। तो पहले OSI मॉडल जान लीजिए। OSI मॉडल जो होता है नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी पूछा जा सकता है। OSI में टोटल 7 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर होता है एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, उसके बाद डाटा लिंक लेयर, और लास्ट सबसे नीचे होता है फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर में ही एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा जो पूछा गया है फिजिकल लेयर में ही होता है। इस लेयर में सभी लेयर्स का अपना अपना अलग अलग वर्क टास्क होता है। फिजिकल लेयर जो होता है एक्चुअल ट्रांसमिशन होता है इसके डाटा, इसका हो जाएगा फिजिकल लेयर। आप OSI मॉडल जान लीजिए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं, इसको हम बता चुके हैं। जो आंसर हो जाएगा एक्चुअल डाटा ट्रांसमिशन जो होता है फिजिकल लेयर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर ए पिक्चर हैज बीन टेकन विद ए डिजिटल कैमरा एंड प्रोसेस्ड अप्रोप्रिएटली द एक्चुअल प्रिंट ऑफ द पिक्चर इज कंसीडर्ड। जो हम फोटो को प्रिंट आउट करके निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, आपको पता होगा। इस आउटपुट हो जाएगा इनपुट आउटपुट में बेसिक डिफरेंस यही है कि जैसे हम कोई चीज़ कंप्यूटर को हम दे रहे हैं तो इसको इनपुट कहेंगे, कुछ हम कंप्यूटर से अगर ले रहे हैं तो उसको आउटपुट कहेंगे। जैसे हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो इनपुट होता है, उसको इनपुट दे रहे हैं। अगर हम कंप्यूटर से कुछ ले रहे हैं, जैसे हम प्रिंट आउट निकाल रहे हैं या हम कुछ देख रहे हैं कोई वीडियो, तो वो आउटपुट होता है। यही बेसिक डिफरेंस है इनपुट आउटपुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकिल बिन। अगर आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो आपको इसका आंसर आराम से पता होगा। रिसाइकिल बिन जो होता है, आप जो कोई फंक्शन डिलीट करते हैं या कोई फाइल डिलीट करते हैं वो इसको स्टोर करता है। आप रिस्टोर वहाँ से फिर से आप उस फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं, ऐसा वो रिस्टोर करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, किसको हम किस की के थ्रू हम डिलीट करें कि वो परमानेंट डिलीट हो जाए, रिसाइकिल बिन में ना जाए। तो उसको हम Shift+ D
डिलीट जब दबाते हैं तो रिसाइकल बिन में नहीं जाता, परमानेंटली डिलीट हो जाता है वो फाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा, रिसाइकल बिन जो होता है स्टोर करता है डिलीट फाइल को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू एडिट द सेलेक्टेड सेल इन एम एस एक्सेल, इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? तो उसका है F2। F2 इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। और F2 को हम किसी चीज, किसी फाइल को रीनेम करने के लिए भी शॉर्टकट यूज करते हैं। कोई फाइल है, F2 दबा देंगे तो उसको हम रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा, एडिट हो जाएगा, आप उसको दूसरे नाम से लिख सकते हैं, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेट ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस थ्रू विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड ऑफ पीसी यूनिट आर लिंक टुगेदर आर कॉल्ड। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं, उन वायर को कुल, इस क्वेश्चन का मतलब पूरा यही है, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं जो मदरबोर्ड, पीसी के मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बसेज कहते हैं, बस, उन सेट ऑफ वायर्स को बस कहते हैं, बसेज। इसका ऑप्शन सेकंड नंबर बसेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर डेट मॉनिटर्स योर ऑनलाइन एक्टिविटीज? उस टर्म को क्या कहते हैं जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है, आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज पर को देखता, मतलब उसको देख सकता है, उसको हम स्पाईवेयर कहते हैं, नाम से ही स्पाईवेयर, स्पाई मीन्स, जानते होंगे आप। इसका सेकंड ऑप्शन, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो स्पाई का मतलब जान लीजिए, स्पाई का मतलब होता है जासूसी, तो वही हो गया ना, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज की जासूसी करता है, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये क्या करता है? जो सही ऑप्शन है, वेरीफाइज दैट द कंप्यूटर हार्डवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली, मतलब ये चेक करता है कि आपका कंप्यूटर हार्डवेयर पूरी तरह से अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का टास्क होता है। एक एक क्वेश्चन इस पे और बन सकता है कि POST करके दे देगा, उसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो POST का फुल फॉर्म हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज, इंटरनेट पे जो वस्तुओं का व्यापार या फिर कह सकते हैं ट्रेडिंग कह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, यहाँ ई ट्रेडिंग ना लगा दीजिएगा, ई फाइनेंस भी मिलते जुलते टर्म्स हैं, आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ई कॉमर्स कहते हैं। फिफ्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ई कॉमर्स। लास्ट क्वेश्चन है, यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर इरर्स वाई, आपको अगर स्पेलिंग और ग्रामर इरर चेक करना है तो उसके लिए आप F7 दबाते हैं, F7 इसका आंसर होगा। शॉर्टकट की से एक दो क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, स्पेलिंग या फिर ग्रामर चेक, इरर चेक करने के लिए F7 यूज होता है। तो इसी के साथ आज का सेशन एंड होता है, 10 क्वेश्चन। और आपको कोई JCA की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपकी कोई डाउट्स हो या फिर कुछ भी क्वेरी हो, कुछ सुना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे तो आप शायद कर लिए होंगे, लेकिन अगर आप नए हैं यहाँ पे, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करके, जिससे आपको इस एग्जाम से रिलेटेड अभी और वीडियोज मिलते रहेंगे टाइम टाइम पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।